आजकल जो दुनिया में जो चल रहा है आजकल, मैं आई एम स्पीचलेस टोटली. एक लिमिटेशंस होती हैं, एक बर्दाश्त होती है ना, तुम लोग बर्दाश्त और सब्र को ना ख़त्म कर रहे हो. Hey guys, this is me Sanyashir. Welcome back to my YouTube channel, which is Sanyashir Lively. I just hope guys के तुसी सारे fit fart और ठीक ठाक होवोगे, सब बढ़िया चल रहे होएगा और बहुत ही अच्छी जड़ है तुसी अपनी सर्दियाँ गुजारने तो बाद गर्मियों नू वेलकम कह रहे हो और खुश हो. आई नो दैट अगर जड़े लोग मैनू जानते हैं, जड़े मेरे ट्रू यूट्यूब सबसक्राइबरस ने, जड़े मेरी यूट्यूब फैमिली है, वो शायद मेरी मूड तो जड़ा वो समझ गई होएगी कि मेरे एक्सप्रेशंस तो, मेरी आइज़ तो, कि मेरा मूड आज बहुत ही ख़राब है यार. वो क्यों ख़राब है, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ. आई जस्ट यू नो केम बैक टू माई नाइट शिफ्ट और मेरी कल से नाइट स्टार्ट है और मैं शायद ये वीडियो ना बनाती, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने डैडी को बाहर जो है उनको कहा है कि आप, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है किसी के सामने, मतलब फैमिली मेम्बर्स के सामने ज़्यादा अगर मैं कोई बात करना चाहूँ आप लोगों से तो वीडियो बनाना, इसलिए डैडी ये मेरे लिए बाहर खड़े हैं, वो वॉक कर रहे हैं और मैं जो हूँ गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ऊपर एक बार मैं चले जाती तो फिर मुझसे नहीं वीडियो बनना था. और मैं बहुत ही ज़्यादा जो है डिसहार्ट हुई हूँ रात ड्यूटी पर, अपसेट हुई हूँ और सीधी और साफ बात कहूँ तो मेरी बस हो गई इस मैनेजमेंट से. और एक हर बंदे का एक जो है ना वो बेरिंग लेवल होता है और एक पीक पॉइंट होता है, एक बर्दाश्त होती है, उसके बाद जो है ना आपकी बस हो जाती है और मेरी यार इस जगह से ना अब बस हो चुकी है. डैडी वो देखो गाइस, डैडी मतलब कितने अच्छे हैं मेरे डैडी के, वो वॉक कर रहे हैं और मैंने उन्हें खुद ही कहा वॉक करो और वो गाड़ी को पता नहीं अब चेक कर रहे हैं. खैर हम अपनी, मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं यार, लेकिन मैं टू द पॉइंट और कुछ ही कुछ बातें करूँगी जो मेरे दिल में इस वक्त चल रही हैं. बहुत सी मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी स्वीट जो फ्रेंड्स हैं, वो बोलती रहती हैं हमें गाइड करो, हम कैसे इस प्रोफेशन में आ सकते हैं. और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं वो वीडियोज़ बनाऊँ जो आप लोगों को जो है वो हेल्पफुल हों और आप लोगों को जो है वो करेज करें. आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई भी प्रोफेशन बुरा होता है, लेकिन बात होती है लोगों की, उनकी तरबियत की. एक इंडिविजुअल होते हुए हम अपना किरदार शो कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी शो कर रहे होते हैं. हमारी तरबियत हमारे पेरेंट्स ने, हमारी फैमिली ने, हमारी स्कूलिंग में कैसी हुई है, हम ये शो कर रहे होते हैं. सो मेरे साथ जो आजकल हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा. दैट इज़ वाई मेरे व्लॉग उस फ्रिक्वेंसी से नहीं आ पा रहे, क्योंकि मैं मेंटली तौर पे बहुत अपसेट हूँ. मेरी इस मैनेजमेंट से बस हो चुकी है, इवन के मेरी इस शहर से भी यार बस हो चुकी है. मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ट्रू व्लॉग्स बनाऊंगी और मैं हमेशा जो मेरी आंखों का स्पार्क है, जो मेरी खुशी है, जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी पॉजिटिविटी है, मैंने हमेशा वही शो की है. और अगर मैं कभी उदास, परेशान या किसी बात की वजह से हर्ट होती हूँ तो मैं उसको भी ज़रूर कैप्चर करती हूँ. तो मैंने सोचा आज क्यों ना, अगर मैं इसी तरह से घर चले जाऊँगी व्लॉग बनाए बिना, शूट किए बिना, तो मैं शायद रिलैक्स होकर नींद नहीं कर पाऊँगी, सो नहीं पाऊँगी, दिल में बोझ रहेगा और फिर मैं रात को मेरी फिर शिफ्ट वैसी ना जाए. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो मेरे इतने प्यारे YouTube फैमिली है उन लोगों से डिस्कस करूं. यार लोग पता नहीं क्यों इतने बदतमीज़ होते हैं, लोगों को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं तो वो पता नहीं क्यों सर पे चढ़ जाते हैं. आई नो कि आजकल ज़माना नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी यार कोई लिहाज होता है. मैंने देखा है कि कोई फ़ीमेल का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं है. मैं आई बिलोंग टू पंजाब, मैंने वहाँ पर भी ऐसे बहुत लोग देखे, पर जितनी मैंने यहाँ पर इतनी लोगों को डिसरिस्पेक्ट और डिसकरेज करते हुए देखा है ना, मैंने कहीं और नहीं देखा. पता नहीं, शायद मुझे लगता है घरों में भी आप लोग इसी तरह से बात करते होगे अपनी फीमेल्स के साथ, या फिर शायद आप लोगों को सिखाया ही गया है. मुझे 2 मिनट से ज़्यादा बोले हुए हो गए हैं, पर मैं वो वर्ड्स नहीं निकाल पा रही हूँ जो एक्चुअली तुम लोगों के बारे में होने चाहिए. यार आप मैनेजर बन गए हो, आप सुपरवाइज़र बन गए हो, या आप किसी फील्ड पर पोस्ट पर आ गए हो, तो कोई तरीका तो सीखो बात करने का. बात करना आती नहीं है, बोलना कैसे है पता नहीं है, और उठ के जो है वो जॉब करने पे आप आ जाते हो, आपके अंडर काफ़ी जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं. डजन मीन कि आप किसी के ऊपर हेड हो या इंचार्ज हो, या डजन मीन कि आप एक जॉब या छोटी सी पोस्ट पे हो. मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैं फेस कर रही हूँ या जो मैं देख रही हूँ ना,
आजकल जो दुनिया में जो चल रहा है आजकल, मैं आई एम स्पीचलेस टोटली, क्योंकि हमारी तरबियत इस तरह से नहीं हुई है. बट कितना को बंदा इग्नोर और बर्दाश्त करे. मैं समटाइम्स बोलती हूँ मुझे अरूज बनना पड़ रहा है, मुझे तुम लोग अरूज बना रहे हो सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से. एक लिमिटेशंस होती हैं, एक बर्दाश्त होती है ना, तुम लोग बर्दाश्त और सब्र को ना ख़त्म कर रहे हो. और जब फिर बर्दाश्त और किसी का सब्र जब टूटता है ना, तो तब उस बंदे के दिल में ना कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहती, कोई आपका डर नहीं रहता. फिर वो आपको ना बन के आपको करके दिखाता है कि भाई इस तरह नहीं, ऐसे भी होता है. हमेशा सिर्फ चुप नहीं रहा जाता है, जवाब भी दिया जाता है. यू नो गाइस, आप लोगों को पता है कि मेरा 1 ईयर से ज़्यादा जो है, मतलब मैंने 1 ईयर ऑलमोस्ट यहाँ पे इंटर्नशिप में कंप्लीट कर लिया है. तो मैंने जो शुरू में जो हर्डल्स फेस की, वो मैंने कभी व्लॉग किया ही नहीं उनका. मैंने बहुत बर्दाश्त किया उन चीज़ों को, बहुत पिया उन चीज़ों को, बहुत सब्र से, बहुत ही ज़्यादा लीन होकर, बहुत ही ज़्यादा लीनियंट होकर, बहुत ही ज़्यादा खुदा में मजबूत होकर मैंने उस टाइम को ना गुजारा. लेकिन जो मैं अब, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ तो मेरी बर्दाश्त कम हो गई है, या जो है वो लोग शायद और तरह से बिहेव कर रहे हैं. वो टाइम बहुत टफ था, ये टाइम उतना टफ नहीं है, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता इस तरह की जो फजूल किस्म की जो हरकतें हैं, जो इनअप्रोप्रिएट थिंग्स हैं. ये आई डोंट लाइक दिस, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए. मेरा ख्याल है कि आप लोगों को थोड़ी सी तमीज़ करनी चाहिए, थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए. हर किसी का राइट है, हर किसी के पास पावर है, हर किसी के पास ज़ुबान है. तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए ये वीडियो बनाई है. आई नो मैं बीच में ये बोल रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा लिहाज और ये वो, लेकिन मैं जिन लोगों को बोल रही हूँ वो तो शायद ये वीडियो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पता है कि मैंने अपने रिलेटिव्स में भी चैनल नहीं दिया है. सिर्फ मेरा चैनल जो है वो खुद बा खुद ही लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो जब भी तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं. लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी, तो सोचा मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव और हैप्पी रहती हूँ. और आज मेरे फेस से स्माइल जो है ना वो उड़ी हुई है इतनी हैवी ड्यूटी करने के बाद. मुझे पेशेंट्स और मेरे काम से प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें बेस्ट रहती हूँ, मैं उसमें चिल रहती हूँ, मैं उसमें रिलैक्स रहती हूँ. लेकिन जब कोई फजूल में आपको इरीटेट करता है और आपको डिसरिस्पेक्ट करता है ना आपसे, भले वो हाई रैंक का हो या लो रैंक का हो, तो तब आपकी हट जाती है. यार आप इंसान हो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, और किसी से मैंने कभी इस तरह की हरकत की भी नहीं, इतनी बदतमीज़ी. सो खैर, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. और डैडी मुझे आ गए हैं बुलाने के लिए. ये देखो डैडी मुझे बुलाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं. शायद आप लोगों को शो हो गया होगा, डैडी पूरे शो नहीं हो रहे पर नज़र आ रहा है. ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, साथ रहिएगा.